Hello students, welcome to the first video for the students of class standard 3, subject EVS, and the first chapter is My Family and Me. Main aur mera parivar. Ye pahla chapter main aur mere parivar ke bare mein hai. Iske bare mein hum log janenge. Let's start the chapter with the reading of the first stanza. This is Saina. साइना इज एट द सेंटर ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में साइना साइना इस चैप्टर में सेंटर पे है. इस पूरे चैप्टर में साइना के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है, और साइना के बारे में समझ के हम भी अपने परिवार के बारे में समझ सकते हैं. इस पूरे चैप्टर में हम लोग परिवार के संरचना के बारे में, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. कितने प्रकार के परिवार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. आई लिव विद माई मदर, फादर एंड यंगर ब्रदर. साइना इज स्पीकिंग. साइना बोल रही है कि मैं अपनी माँ, अपने पिताजी और अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ. माई फ्रेंड तानिया लिव्स इन हर हाउस विद मैनी पीपल. तानिया अपने घर में अनेक लोगों के साथ रहती है. साइना अपने घर में मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती है, लेकिन तानिया अपने घर में कई लोगों के साथ रहती है. आई आस्क्ड माई मदर हु दे आर. माई मदर टोल्ड मी दैट दे आर तानियाज फैमिली मेम्बर्स. मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तानिया के साथ और कौन लोग रहते हैं. तो तानिया माँ ने बताया कि वे लोग तानिया के फैमिली मेम्बर्स हैं, तानिया के परिवार के सदस्य हैं. फैमिली मेंबर्स मीन्स परिवार के सदस्य. आइए आगे जानते हैं. व्हाट इज फैमिली एंड व्हाट इज फैमिली मेंबर. ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू इच अदर. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. फैमिली लोगों का एक समूह है. हु लिव इन द सेम हाउस, जो कि एक समान घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं. एंड आर रिलेटेड टू इच अदर. और ये जो फैमिली, ये जो एक ही घर में रहने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन होता है, संबंध होता है. तो फैमिली एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं, लोगों के ऐसे समूह को बोलते हैं जो एक ही घर में रहते हों और सारे लोग एक दूसरे से रिलेटेड हों. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स. नाउ फैमिली तो हम समझ गए कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू इच अदर. फैमिली ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं. एंड नाउ टाइप्स ऑफ फैमिली. परिवार के प्रकार, किस किस प्रकार के परिवार होते हैं. तो पहला जो हम जानना चाह रहे हैं, पहला जो हम सीख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार. एकल परिवार, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. What is the definition of nuclear family? Families in which only parents and children live together are called nuclear families. ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ parents यानी माता पिता and children और उनके बच्चे रहते हों, दूसरा कोई नहीं रहता हो. Families in which only parents and children live together are called nuclear families. ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, एकल परिवार कहते हैं. सम न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल. कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज, कुछ एकल परिवार छोटे होते हैं. दे हैव पेरेंट्स विद वन और टू चिल्ड्रन. ऐसे परिवार में दो माता पिता और एक या उनके एक से ज़्यादा दो बच्चे होते हैं. यानी कि कुल मेम्बर ऑफ फैमिलीज अगर हम देखते हैं तो टू पेरेंट्स, आइदर वन चिल्ड्रेन, वन चाइल्ड और टू चिल्ड्रेन, यानी आइदर थ्री और फोर पर्संस होते हैं ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में. एंड सम न्यूक्लियर फैमिलीज विद मोर देन टू चिल्ड्रेन आर बिग फैमिलीज. ऐसी न्यूक्लियर फैमिली, ऐसा एकल परिवार
जिसमें दो से ज़्यादा बच्चे हों उसको हम बिग न्यूक्लियर फैमिलीज या बिग फैमिलीज कहेंगे। हम आगे तस्वीर भी देखते हैं, फोटो देखते हैं, फिर उससे समझते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर न्यूक्लियर फैमिली की है, ये स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है। इसमें ये फादर हो गए, ये मदर, और उनका एक सिर्फ एक बच्चा, सिंगल बेबी है, ये सिंगल चाइल्ड है, इसको स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। और ये भी देखिए एक न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन ये स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। ये फादर, ये मदर, ये गोद में सबसे छोटा बच्चा, उसके बाद ये बच्चे, कुल चार बच्चे हैं। देर आर टोटल फोर चिल्ड्रेन इन दिस फैमिली एंड टू पेरेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस फैमिली इज सिक्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस फैमिली इज थ्री। सो दिस इज ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली एंड दिस इज ए बिग न्यूक्लियर फैमिली। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ज्वाइंट फैमिली। व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार, और ज्वाइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार। संयुक्त, मिला हुआ परिवार। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इन अ ज्वाइंट फैमिली। सिंगल फैमिली में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, एक ही मम्मी पापा के बच्चों को सिबलिंग्स कहा जाता है। सिबलिंग्स भी रहते हैं, अंकल्स रहते हैं, आंट्स यानी कि बुआ या चाची वो रहती हैं, कजन्स यानी चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इन अ ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है। संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है। हमारे गांव में, इन रूरल एरियाज, यू विल फाइंड मोर एंड मोर ज्वाइंट फैमिलीज देन सिंगल फैमिली और देन न्यूक्लियर फैमिलीज। गाँव में ज्वाइंट फैमिलीज ज़्यादा होंगे और न्यूक्लियर फैमिलीज कम होंगे, बट इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में ज्वाइंट फैमिली विल बी लेस इन नंबर। शहरी क्षेत्रों में ज्वाइंट फैमिली कम संख्या में होंगे एंड न्यूक्लियर फैमिली विल बी इन मोर नंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द पिक्चर इन विच यू कैन सी ए वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। देखिए ज्वाइंट फैमिली की तस्वीर है। अब मैं सर्कल करता हूँ, आप समझ जाएं ये कौन है। तो ये ग्रैंड माँ है, दादी माँ, ये दादाजी हैं, ये एक पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, और ये एक पेयर ऑफ पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, यानी कि इनके दो बेटे हैं, एक ये और एक ये। इन बेटों की शादी इनसे हुई है, तो ये एक पेयर ऑफ सिंगल फैमिली, एक पेयर ऑफ सिंगल फैमिली, ये दोनों सिंगल फैमिली मिलके और दादा दादी को मिला के ज्वाइंट फैमिली हो गए। और ज्वाइंट फैमिली के ये सारे भी मेंबर हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये आपस में एक दूसरे से कजन्स हो सकते हैं, ये इसका कजन हो सकता है। एग्जैक्टली इस तस्वीर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये इसका कजन हो सकता है, ये इसकी कजन हो सकती है। कजन मीन्स चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। आइए अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। साइना वांट्स टू नो, साइना जानना चाहती है। व्हाट डज साइना वांट टू नो? साइना वांट्स टू नो, डू यू लिव इन अ ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली? ये तुमसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो? अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो लिखना है आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो लिखना है कि आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। नेम टू ऑफ योर क्लासमेट्स हु लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। आपको दो ऐसे क्लासमेट्स का नाम लिखना है जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं।
बिल्कुल इजी है, आप किसी भी फ्रेंड से पूछिएगा, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो उसका नाम लिखिए। एंड नाउ थर्ड टाइप ऑफ फैमिली इज सिंगल पेरेंट फैमिली। पेरेंट का मतलब माता और पिता दोनों। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता हो, माता पिता के साथ, तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। लेकिन अगर कोई, इसका पहले हम डेफिनेशन देख लें, सम चिल्ड्रेन लिव विद ओनली ऑन पेरेंट, कुछ बच्चे अपने सिर्फ एक माता या एक पिता के साथ रहते हैं। पेरेंट मतलब माता और पिता दोनों, लेकिन आइदर अगर पेरेंट्स में से कोई एक रह रहा हो तो या तो माता के साथ या पिता के साथ, ऐसे को सिंगल पेरेंट कहा जाता है और ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। सच फैमिली इज कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट फैमिली, ऐसा परिवार जिसमें बच्चा या तो माता के साथ रहे या पिता के साथ रहे, तो उसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। एकल अभिभावक परिवार, ये न्यूक्लियर फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा सिर्फ माता के साथ रहे या पिता के साथ रहे? तो कभी कभी माता या पिता में से किसी एक की डेथ हो जाती है, कोई एक मर जाता है, एक सिंगल बचता है, तो जो पेरेंट बचते हैं वो अपने बच्चे को ब्रिंग अप करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी मम्मी और पापा में डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के कारण भी पेरेंट्स अलग रहने लगते हैं, ऐसी फैमिली को भी सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी बचा हुआ जो पॉइंट है वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज रिमेनिंग पॉइंट्स इन आवर अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिवाइजिंग ऑल द पॉइंट्स अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।